सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है केसीडीसी टीवी ते। दर्शको, अज 14 तरीक जी, 14 फरवरी कोई खास दिन है खालसा कॉलेज दे लई, क्योंकि अज होर कुछ नहीं, खालसा कॉलेज दे विच स्टार्ट होण जा रहा है बुक फेयर, यानी कि किताबों का मेला। तो इस मेले दे विच जिवें कि तुहानू पता ही है, हर साल किताबों तो इलावा होर भी बहुत कुछ हुंदा है। सो इस मेले का उद्घाटन करन दे लई पहुँच रही ने पंजाब दीआं उगीआं हस्तियां, पंजाबी डिपार्टमेंट वालों प्रिंसीपल खालसा कॉलेज सरदार मैल सिंह जी वालों बहुत वधिया तरीके दे नाल इस प्रोग्राम का इस साल फिर तो आयोजन किया गया है। 5 साला किताब मेला जिहड़ा है, किताबों का यह मेला जिदे विच बहुत कुछ होर भी वेखण नूं मिलेगा। असी तुहानूं अपने टीवी चैनल केसीजीसी दे जरिए जिहड़ा दिखाउंदे रहांगे। तो शुरुआत करदे हां इस मेले की। पदवी के सुशोभित सिख साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहिब, इस कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर महल सिंह जी, मैनेजमेंट के मेरे साथी फाइनेंस सैकटरी साहब गुरबीर सिंह जी, पंजाबी अध्यापन के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर आत्मा सिंह, सामने बैठे सारे ही वख वख अदारों के प्रिंसीपल साहिबान, सारी इतों की इस कॉलेज की बहुत मेहनती फैकल्टी, बहुत प्यारे विद्यार्थियों, सत्कार नाल फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं अपनी मैनेजमेंट वालों सिख साहिब का खालसा कॉलेज के इस पुस्तक मेले के उद्घाटन करना होना, बहुत उन्होंने कुटानकोट धन्यवाद है, और बहुत ज्यादा असं माण महसूस करते हैं कि सिंह साहब अज साडे खालसा कॉलेज इस वेड़ी में आए हैं। सिंह साहब जी, यह सोच 2015 के सानू आई सी कि बच्चे जड़े ने पुस्तकों तो बहुत दूर हो उठते चले गए ने, साडे सिर्फ इस कॉलेज की लाइब्रेरी के 1,85,000 किताबा ने जी, सिर्फ इस कॉलेज, और बाकी हर स्कूल और कॉलेज वक्ो वक्रिया हर एक की अपनी अपनी लाइब्रेरी है। जे कुल मिला के सारी किताबा गिन लीए तो करीब 8-9 लाख किताबा साड़िया संस्थावां दे विच होंगे, और बच्चों का रुझान इस मोबाइल ने, लैपटॉप ने, कंप्यूटर ने लोग बच्चों लाइब्रेरी जाना छड़ दिता, और बच्चे जिवें सिंह साहब ने दस्या कि उन्होंने जो कुछ पूछना, जो ध्यान होना, जो लोड़ पैनी फटाफट गूगल करना, वो वेख लेना, वो मुड़ के उस भुल जाना। लेकिन पुस्तक एक ऐसा अध्ययन है कि जिन्होंने एक बार पढ़ लिया सारी उम्र याद रहा। साढ़े मन से सोच आई कि बच्चे दोबारा इस पुस्तक वाले पास जोड़िया जाए। तो नैशनल बुक ट्रस्ट ने साढ़े न 6 साल पिछले साल भी वो आए थे, नैशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने पिछले साल भी लाया सीगा मेला, और पिछले 6 साल उन्होंने रहे, लेकिन इस बारी कोई कलैश कर गया कि दिल्ली में कोई बड़ा बड़ा ऑल इंडिया का मेला लगना सी, जिस करके उन्होंने कहा कि असं इस साल नहीं आ सकेंगे, अगले साल फिर देखांगे। प्रिंसिपल साहब ने मेरे नाल गल की, तो मैं क्या असं ये लड़ी नहीं तोड़नी, असं ये मेला आप लावांगे। और खुशी की गल है कि पिछले साल नैशनल बुक ट्रस्ट ने यह आयोजित किया, 97 पब्लिशर आए, इस बारी साढ़े को 100 तो 100 तो पब्लिशर आए ने जिन्होंने इतने शिरकत की है। और प्रिंसिपल साहब ने मैंने दसिया कि कल सानू होर स्टाल लाने पाए ताकि बहुत ज्यादा पब्लिशर आ गए तो सानू अगे एक्सटेंड करना पे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि असं बच्चों में पुस्तकों पढ़ने की रुचि लिया वास्ते जो दोबारा असं महसूस किया कि साडे बच्चे और बाकी भी लोगों के जड़े ने दोबारा रुझान पुस्तक वाले पासे आ रहे हैं। मैं अज उन्होंने विद्वाना नूं सजदा करदा जिन्हां दी अज 4 बुक इत्थे वख-वख 4 लेखां दी रिलीज हुई ने, क्योंकि कहन दीआं गल्लां बड़ियां सौखियां हुंदियां ने, पुस्तक लिखनी बहुत औखी हुंदी है। और उस पुस्तक की
पढ़ने वाले दे विच रुचि होनी, वह पुस्तक हरमन प्यारी होनी, उस तो भी वड्डी गल है। सो अज सर हरपैन सिंह जी चीमा मेरे बचपन के दोस्त ने, साडे कोर्डिंग कौंसल के मैंबर भी ने और जनरल मैनेजर रिटायर हुए ने बड़ी उच्च पदवी के उत्तों। उन्हें रिटायरमेंट तो बाद रुचि शुरू की थी और महाराजा रणजीत सिंह जी के उपर जिनी खोज उन्होंने की है, मैं नहीं समझता कि इस वे कोई भी लिविंग ऑथर ऐसा हो जिन्हें महाराज साहब के बारे इन्नी खोज की होगी। पता नहीं मैं पता है कि लाइब्रेरी जा जाके कि पुस्तक पढ़ के उन्होंने तीजी बुक लिख हुई थी चीमा साहब कि चौथी 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 बुक रिलीज हुई है और दो किताबा महाराज साहब उपर होर लिख रहे हैं। उन्होंने कहना सिंह साहब जी कि अजे भी महाराज रणजीत सिंह के उत्ते खोज करनी अजे भी बाकी है, अजे भी बहुत लोड़ है कि महाराज साहब ने जिस तरह का राज 50 साल पंजाब दे विच कीता है वह भी कमाल की मिसाल है, दुनिया कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। एवं नहीं उस वे दो जरनैल नपोलियन के हार जाने तो बाद घोड़े से चल के सारे राज देखते आए थे, फिर लाहौर आए दरबार च पेश हुए महाराज साहब देखे कि असं सारे राज देखते आए हैं और जिन्ना तुहाडा राज खुशहाल है सानू किते राज इहो जिहा खुशहाल नहीं मिलिया। तो महाराज साहब ने उन्होंने पछाणते हुए तुरंत नौकरी उत्ते रख लिया और तुसीं हैरान होवोगे कि उस जमाने दे विच महाराज साहब ने 3,000 रुपए महीना दे उत्ते नौकरी उत्ते रखिया। 3,000 रुपए अज 3 करोड़ रुपए के बराबर है। सो ऐसा दूर देश महाराजा साडे कोल नहीं रहा, उहदा राज किवें गया बड़ी वड्डी गल है, आपां नहीं मैं इत्थे बोलना चाहुंदा लंबा। बहुत वड्डियां कॉन्सपिरेसियां घड़ियां गईयां लेकिन बहुत वड्डा दुख है सानू उस सिख राज दे जाण दा। अगर सिख राज साडे कोल रहिंदा ते अज इस खिते की दशा और दिशा कुछ होर होंदी। लेकिन सिंह साहब जी मैनूं मौका मिलिया तुहाडे नाल गल करन दा, दसा गुरु साहिबां तों बाद बाबे बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी कुरबानी है, मैं समझदा सिख कौम ने कितने ना कितने उहनूं विसारिया। साडा पहला राजा तो उस बाबा बंदा सिंह बहादुर। सो मैं तुहानूं यह बेनती करूंगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी असीं विसारीए ना, गुरु साहिबां तों बाद उहनां दी बहुत वड्डी सिख कौम वास्ते कुरबानी है। मैं ज्यादा डिटेल विच नहीं जाणा और उस तों बाद महाराज साहिब दा जिहड़ा राज है उहदी दुनिया विच कोई मिसाल नहीं मिलदी। 50 साल के उन्होंने राज दे विच एक भी फांसी नहीं लगी और उस वेले तिन्ने कौमां चाहे सिख हिंदू और मुसलमान तिन्ने खुशहाल रहिंदे सी, तिन्ने उन्होंने दरबार विच दरबारी सन, तिन्ने उन्होंने राज विच मुलाजम सन और तिन्ने धर्म के लोग उन्होंने सत्कार करते सी और अपने महल के विच उन्होंने मंदिर की भी उसारी की, उन्होंने मस्जिद की भी उसारी की और उन्होंने गुरुद्वारा साहब भी बनाया। ऐसा राजा दुनिया में कितने देखने नहीं मिलता। केसीबीसी टीवी का डायरेक्टर और साडे एजुकेशन कॉलेज दे विचों टीचर भी है, बहुत नौजवान है साडा, बड़ी क्षमता रखता। उहदी पोएट्री की किताब वह भी रिलीज की जानी है। सिख साहब जी बीएनए खालसा कॉलेज असी वो सिख धर्म नूं प्रफुल्लित करन प्रचार हित सिखी दे आपका फर्ज निभाउंदे आ, अजिहियां सिखी नाल संबंधित किताबां नूं रिलीज़ करदे आ, जिस सानूं बहुत खुशी होवेगी। दर्शको मेरे नाल साडी सरमौर संस्था अकाल तख्त दे जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत जी मौजूद ने। सब तो पहलों तो सर साडे सारियां वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पोथी परमेश्वर का थान तो क्योंकि मालक ने वाहिगुरू ने साडी किताबां दे नाल रुचि जिहड़ी सी उदों ही शुरू कर दित्ती सी, उतों लै के अज बच्चियां लई जिहड़े पुस्तक मेले लग रहे ने तुसीं हाज़र होए हो, किन्ने क जरूरी लग रहे ने? खालसा कॉलेज पंथ की मानमती शानमती संस्था है और इस संस्था के विहड़े दे विच पुस्तक मेले का लगना जड़ा है, ये बहुत ही सुकून भरिया एक दृश्य है क्योंकि साढ़े पंजाबी खास करके नौजवान बच्चे बच्चियों के विचों साहित्य हिस्ट्री भाषा आदिक विषयों के उत्ते पढ़ना जड़ा है वह तकरीबन बंद हो गया तो उन्होंने किताबा पढ़ने लिए प्रेरित करने वास्ते किताबों की जानकारी देने वास्ते इस तरह के पुस्तक मेले जड़े लगने जड़े है बड़े लाजमी है, बड़े जरूरी है। खालसा कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी का, प्रिंसीपल साहब का, अध्यापक साहबान का,
विद्यार्थियों का मैं स्कूलों बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने अपने इस विड़े दे विच एडे वड्डे पुस्तक मेले में जोड़ा है वो लगाया है और बच्चे जोड़े ने तड़ातर किताबां देख भी रहे हैं खरीद भी रहे हैं बहुत खुशी वाली गल। जथेदार साहब, सिख धर्म बहुत महान धर्म आ पर अक्सर सुनने में आता है कि साडा प्रचार कित ना कि असी दुनिया के उस थान तक पहुँच नहीं सके, इस गल विच कितनी क हैगी साडी जिहड़ी पंथ की उम्र जिहड़ी है साढ़े 5 साल है, बाकी धर्मां दे पैरलल असी बहुत छोटी उम्र दे हाँ और ऐसी गल नहीं है कि साडे धर्म का प्रचार प्रसार जिहड़ा हैगा वो नहीं है, लेकिन असी ज़्यादातर जिहड़ा है वो अपने दे विच ही अपने धर्म पंथ का प्रचार करन नूं तरजीह दिंदे हां असी, क्योंकि गुरु नानक साहब ने सानूं सिखाया कि दूसरे धर्मों का सत्कार करना चाहिए अदब करना चाहिए, पर सानूं जिहड़ा अपने मत अपने फलसफे की जानकारी जिहड़ी है दूसरे धर्म मजहब के लोगों नूं जरूर दसनी चाहिए, ये किते ना किते असी थोड़ा जिहा पिछे होए हैं, सानू जिहड़ा होर हंबला मारन दी लोड़ है। ते इदां दे जिहड़े स्टडी सेंटर ने जिद्दां खालसा कॉलेज विच गुरमत स्टडी सेंटर खुल्ला है किन्नी क जरूरत है इस होर भी बहुत वधिया उपराला है इस खालसा कॉलेज दा कि स्टडी सिख स्टडी सेंटर खोलिया जिहदे विच बच्चे तंती साजां नाल कीर्तन सिख रहे ने गुरमत की विद्या लै रहे हैं और सब तो वड्डी गल के दूसरिया भाषावान जड़िया ने जिमें उर्दू अरबी फारसी संस्कृत आदि का ज्ञान हासिल कर रहे हैं जोड़ा कि साढ़े वास्ते बड़ा जरूरी है, गुरमुखी पढ़नी जी है ये साडा परम धर्म कर्तव्य है, पर बाकी बोलियां नूं सीखना जिहड़ा है सानूं ज्ञानवर्धक बनाउंदा है जरूर सानूं सीखनियां चाहीदियां। सिंह साहब, साडा टीवी चैनल स्टूडेंट्स दे नाल जुड़िया होया है, सारे स्टूडेंट्स असीं चाहुंदे आ जांदे जांदे संदेश कोई साडे बच्चां नूं? मैं बस सारे बच्चों नूं इह कहांगा कि पढ़ो वध तों वध पढ़ो और सिख बच्चों नूं मैं कहना चाहांगा कि सब सूरत होवो सिर ते दस्तारां सजाओ पढ़ो, क्योंकि पढ़ लिख के जो तुसीं वड्डे मरातबे हासिल करोगे तुसीं गुरसिखी जीवन जिओगे ते तुहाडा वड्डे उच्चे रुतबिआं ते बहि के गुरसिखी जीवन जिउणा जिहड़ा इह पंथ दी बहुत वड्डी सेवा होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।